एहसन जी सर, बुलाएं सारी टीम को, चलें अब। यस सर, ओके ओके सर जी। अभी हम इंशाल्लाह रेडी हैं, हमारा अगले 7 दिन हमने फ्लड रिलीफ कैंप करना है लैया के डिस्ट्रिक्ट में, और हमारा एरिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमने अपनी हिम्मत और हौसले से पूरा कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दे सकें, और हर मेंबर ने अपनी पूरी एफर्ट करनी है, लोगों तक पहुंचना है, हमने मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, उनके जानवरों को चेक करना है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हमने उनको राशन जो देना है, प्लस हमने जो जानवरों के लिए फूड लेके जा रहे हैं वो हमने मुस्तहिक लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन डिज़र्विंग है, और इंशाल्लाह हम अगले 7 दिन अपना इंटरेस्ट अपना टाइम हमने साइड पर रख के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। Let's turn to Pakistan now, where there are now fears of acute food shortages have destroyed 45% of Pakistan's croplands. The urgent appeal for funds to help families in flood-hit Pakistan. Areas already had very limited access. In Pakistan, this year's deluge has caused the most destructive floods in most people's memory. 1,700 people have died, including nearly 600 children. कई गांव सैलाबी पानी में डूब गए हैं आज. Humanitarian disaster of epic proportions. पानी आ रहा है, सैलाब आया, उसमें भी नुकसान हो रहा है, ढेर सारा है, माल ढेर सारे मोहन जानवर मोए न ढेर सारे मोहन अजान तो नहीं, जानवर कई वधन थे बीमार, ये सारा कुछ साकू पट्टे नहीं लगते, कोई चीज नहीं लगती, तूड़ी है वहाँ गल गई है, ऐसा माल को सब जाए का गल गए, कोई चीज साकू नहीं मिलती, सारा जानवर को गिद्ध सैलाब तो आवे वाला सैलाब नुकसान किया بسم الله الرحمن बड़ा कुछ किया 7 दिन तक, हम अपने ऐसा साथ का इजहार नहीं कर सके, बस चीज़ें देते रहे आप, कि आप सब हमारे वालदैन की तरह हैं, हमारे भाइयों की तरह। असल में मसला ये है कि हम बहुत दूर रहते हैं, दिल में मोहब्बत बहुत है पर बहुत दूर रहते हैं। फील्ड में सर्वे किया, हम 7 दिन की हमारी एक्टिविटी थी, उसमें हमने तकरीबन राउंड अबाउट 8,000 एनिमल्स का हमने मुफ्त इलाज किया, तकरीबन 100 फैमिलीज़ को हमने राशन के मद में, उसके अलावा उसमें कंबल रजाइयाँ और इसके अलावा जानवर का दीकर जो मिनरल्स है, खुराक है, वंडा है, उसमें तकरीबन 200 घराने मुस्तफ़ीद हुए, एनिमल फीड हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। उन्होंने टायरलेसली यहाँ पर काम किया, दिन रात आप लोगों ने काम किया, स्पेशली लाहौर जैसे एरिया से आके इतने टफ़ एटमोसफियर में, इतनी हबस में, गर्मी में,
आप लोगों ने जैसे यहाँ के लोगों की सैलाब ज़दगान की खिदमत की, तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई फील ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस 7-day फ्लड रिलीफ कम्पेन ऑफ यूवास एट लैया। मेरे लिए ये कम्पेन इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमने इस कम्पेन के दौरान सपोर्ट इफेक्टेड लोगों को उनके डोर स्टेप तक पहुँचाए। ये सिर्फ अपनी रेजिलियंस की बुनियाद के ऊपर इसके साथ इस मुश्किल वक्त में फ़ाइट आउट कर रहे थे और उनका नुकसान बहुत हुआ था, और यूवास के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इनके घरों तक पहुँचे और इनको एनिमल खुराक के की मदद में, एनिमल ट्रीटमेंट की मदद में और घर के राशन की मदद की सूरत में उनकी हेल्प आउट की। इसलिए मेरे लिए ये कम्पेन बहुत अहमियत का हामिल रखती है। चलें जी, मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि ये पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से युवास मोबिलाइज्ड है इस फ्लड क्लैमिटी में 2022 में, और हमें जिस तरह मोटिवेटेड हैं हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स, हम और हमारे जो बाकी इदारे जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। युवास जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद अफसर। आशिक हुसैन। मोहम्मद हयात। मैं शफीक रहमान। मैं सलमान खालिद कोटसी। मैं मोहम्मद रिजवान। मैं डॉक्टर एहसन तारिक। मैं हमजा रशीद। मैं मोहम्मद उस्मान।